नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। वेलकम टू नई सुबह ऑडियो लाइब्रेरी इंग्लिश लर्निंग ट्यूटोरियल्स फॉर फाउंडेशन कोर्स। मेरा नाम है सबा गजाली और आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, आइए सीखते हैं। एडजेक्टिव्स किसी भी नाउन की खसूसियात होती हैं, यानी कि फर्ज के तौर पे कोई अच्छा है, कोई लंबा है, कोई पतला दुबला है, कोई छोटा कद रखता है, या कोई बहुत ज़्यादा सुस्त है। तो ये सारी किसी भी शख्स की खसूसियात हैं जो कि उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं। बिल्कुल, उस शख्स की खसूसियात उसकी पर्सनालिटी जाहिर करती हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अली इज़ अ टॉल बॉय, अली एक लंबा लड़का है। इसमें अली का टॉल होना यानी कि उसका लंबा होना उसकी खसूसियत है। आगे बढ़ते हैं। सारा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सारा एक खूबसूरत लड़की है। इसमें सारा की खूबसूरती उसकी पर्सनालिटी ट्रेट है, यानी कि वो एक खूबसूरत लड़की है। इसी तरह से शायान इज एन इंटेलिजेंट बॉय, शायान एक ज़हीन लड़का है। शायान का इंटेलिजेंट होना उसकी एक पर्सनालिटी ट्रेट है जो कि उसके काम को जाहिर करती है, यानी कि किसी भी नाउन की खसूसियत एडजेक्टिव कहलाती है और हमें उसकी पर्सनालिटी बताती है। यानी कि अगर मैं कहूँ आतिफ इज़ अ लेज़ी पर्सन, यानी कि आतिफ एक सुस्त शख्स है, तो ये सारे एडजेक्टिव्स हमें पर्सनालिटी रिफ्लेक्शन दे रहे हैं और हमें लोगों की पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको एडजेक्टिव समझ आए होंगे, और इस हवाले से कोई भी क्वेरी हो तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म हुआ, मिलेंगे अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।